होटल एसोसिएशन पुष्कर के पदाधिकारियों ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से नांद हवेली में मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने तीर्थराज पुष्कर के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से अलग अलग 7 बिंदुओं पर चर्चा की। इस पर राठौड़ ने अतिरिक्त बजट देते हुए तीर्थराज पुष्कर में विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही यहां का विकास कर सरकार तीर्थों के प्रति अपनी भूमिका निभाएगी। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन के संरक्षक राजेंद्र महावर, सचिव अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष सुभाष टहलियानी, उपाध्यक्ष आदित्य सिंह राठौड़ और कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह से भी चर्चा की। आज पुष्कर होटल एसोसिएशन ने पुष्कर में सभी क्षेत्रों के अंदर पर्यटक की दृष्टि से विकास कराने के लिए हमारे RTDC चेयरमैन श्री धर्मेंद्र जी राठौड़ को हमने ज्ञापन दिया। इसमें पुष्कर की मुख्य समस्याएं और हमारे पुष्कर के अंदर एक RTDC के अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर हो ताकि लोगों को आसपास की क्षेत्र पर्यटक स्थलों की जानकारी हो, पुष्कर में क्या क्या पर्यटक स्थल है उनके बारे में जानकारी हो। और हमने पुष्कर के लिए 100 करोड़ बजट का प्रावधान किया है कि 100 करोड़ रुपए पुष्कर में लगाए जाए ताकि पुष्कर की सड़कें जो खराब पड़ी है उनको सुधारा जाए। पुष्कर में ड्रेनेज सीवरेज की व्यवस्था को सुधारा जाए, ऐसी कुछ मांगे हमारी प्रमुख रही थी, जिसके अंदर पार्किंग भी मुख्य था कि पुष्कर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब मांगों को लेकर हमने RTDC चेयरमैन साहब को ज्ञापन सौंपा।